सब ढूंढ काटते पिछली साल। किसान का दवाई में बहुत खर्च हो जाओ, पहले दवाई बचे बन गए, दुकान वाले बन गए, किसान बैठ गया नीचे को, जिसके पास पैसा है वो तो लगा देगा अंधाधुन। हाँ सही बात है, लेकिन हम जैसा कहाँ लगा देगा, हम तो मेहनत कर गए तो देखेंगे हाँ भाई कौन सा बीज ज्यादा कामयाब है। अच्छा मील से ही लिया हुआ है, दुराड़े पे ही मेरा बोंड है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी पेड्डी होती नहीं, नहीं ये कटवा पेड्डी है। अच्छा इसमें ही कटिंग है इसकी, पोगे नहीं थे? नहीं पोगे नहीं है भाई, सुन लो कटिंग की पेड्डी है। हाँ। और आप लंबाई देख लो एक बार, हाथ उठाओ जी ऊपर को, जाने कहीं नहीं मेरा हाथ, देख लो ये, देखो आप देखो अभी घोड़ा ऊपर तक है और अभी तो पेड्डी ये मतलब एक महीना है। हाँ। है ना, और इस गन्ने की मोटाई आप देख लो भाई का हाथ, देखो येरा इस गन्ने की मोटाई देखो ऊपर तक ही, कितना मोटा गन्ना है। और मैं दूसरा प्रमाण आपको यहाँ दे दूँ, देखो ये रे बताओ थोड़ा मोटा गन्ना है क्या? आप इसकी गन्ने की मोटाई देखो, और ये नहीं कि ऊपर ही है, नीचे तक पूरा गन्ना। लोग कहते हैं देखो सारे सारे ऐसे मिलेंगे जी, ऐसा नहीं है कि एक दो ऐसा, देखो मेडे बराबर तो सब होते नहीं, लेकिन गन्ना सब सब में एक सही गन्ना मिलेगा। हर मेड़े की पत्ती काट दूंगा ये, सही सही रस्सी बांध दियो, मतलब इतनी मजबूत पत्ती है, मजबूत है, खूब खींच के दिखा रहा। बढ़िया बढ़िया साथी, साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। भाइयों जैसे कि आपको पता है हमारे गांव में जो है सतीश भाई हैं हमारे, तो उन्हीं के खेत में जो आज हम जो है गन्ने देख रहे थे, तो उन्होंने 14201 तो मैंने आपको उनका दिखाया, उनके पास 15023 भी था पौधा। अब ये उसकी पेड्डी है, लोग कहते हैं कि 23 की पेड्डी नहीं होती, पौधा तो सबने दिखाया लेकिन पेड्डी जो है बहुत कम चैनल पे पेड्डी दिखाई दी 15023 बीज की। कुछ लोग तो इसे कह रहे हैं कि ये बेकार है, लेकिन हम भाई से पूछते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया बीज है, पौधा भी इसका अच्छा और पेड्डी भी इसकी अच्छी और वजन तो इसमें अच्छा निकलता ही है, ऐसा कहना है। बाकी देखते हैं कि भाई क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका पौधा डाल चुका और पेड्डी इनके सामने है, और इसमें क्या कार्य उन्होंने करे, क्या स्प्रे करा, क्या खाद डाला, भाई से पूछेंगे। सारे की बुआई करी इसी की। पहले तो आप छोटा सा परिचय दे दो अपना। हाँ, मैं सतीश कुमार, सन ऑफ जनेश्वर, गांव डहार, तहसील सरदाना, जिला मेरा। ये जो आपका बीज है कौन सा बीज है जी? 15023। 15023 वाकई में 15023 है, कोई रिजेक्ट वैरायटी है? नहीं 15023 है, दुराड़ा मील से ही लिया हुआ है, दुराड़े पे ही मेरा बोंड है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी पेड्डी होती नहीं, नहीं ये कटवा पेड्डी है। अच्छा इसमें ही कटिंग है इसकी, पोगे नहीं थे? नहीं पोगे नहीं है भाई, सुन लो कटिंग की पेड्डी है। हाँ। और आप लंबाई देख लो एक बार, हाथ उठाओ जी ऊपर को, जाने कहीं नहीं मेरा हाथ, देख लो ये, देखो आप देखो अभी घोड़ा ऊपर तक है और अभी तो पेड्डी ये मतलब एक महीना है। हाँ। है ना, और इस गन्ने की मोटाई आप देख लो भाई का हाथ, देखो येरा इस गन्ने की मोटाई देखो ऊपर तक ही, कितना मोटा गन्ना है। और मैं दूसरा प्रमाण आपको यहाँ दे दूँ, देखो ये रे बताओ थोड़ा मोटा गन्ना है क्या? आप इसकी गन्ने की मोटाई देखो, और ये नहीं कि ऊपर ही है, नीचे तक पूरा गन्ना। लोग कहते हैं कि 23 की पेड्डी नहीं होती, 23 का गन्ना मोटा नहीं होता, और मुझे ये बता दो इसका मोटा गन्ना और क्या होगा बताओ, ये थोड़ा मोटा आ गया देखियो, सुसरा मुसड़ सा गन्ना कहीं मारता, बहुत ही बढ़िया। तो एक बात बताओ, ये जलवा आपने इसमें कर कैसे रखा, क्या करा इसमें ये बताओ भाई? ये तो मेरी घर की ट्यूबवेल है यहाँ, तो अच्छा जी पानी से ज्यादा चाहिए। चलो लेकिन यो बीज जो चलता है। हाँ। यो चलता है जून जुलाई के बाद में, मतलब पहले तो ऐसा दिखाई देगा ऐसा लगे कि यो बेकार है। अच्छा जब इसकी कटमा पेड्डी थी। हाँ। तो इसमें कबाड़ हो गया। अच्छा बिजार और को तो खाते रहे लेकिन या नहीं खाई, मतलब इसे बिजार भी नहीं खाते, इसमें यो भी एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है, बहुत बढ़िया। ये तो यह तो सबसे बड़ी समस्या बिजारों की। तो इसके जिस टाइम पक गए ये कटमा थे तो ऐसे भिड़ गया आपस में, अंदर कुछ दिखे नहीं था, मैं फिर भी इसमें बढ़ के इसको कबाड़ पाड़ा, हालांकि देखो अब भी है इसमें। सही बात है, सही भाई के खेत थोड़े से जो है भाई अकेले आदमी है, थोड़ा दिक्कत हुआ है करने में, लेकिन फिर भी नहीं ऐसे भी दिखाऊंगा जिसमें कर भी रखा। हाँ। लेकिन पेड़ियों में कम बड़ा जावे, जब वह इतनी भीड़ी हो जा। हाँ, सही बात। उसमें बड़ा नहीं जाता। तो फिर आपने इसमें क्या करा? तो इसमें जो है मतलब मैंने एक बार इसमें कबाड़ा पड़वाया मजदूर होता है, जैसे यार कटिंग करवा दी उसके बाद खाद वाद नहीं डाला? नहीं उस टाइम नहीं डाला। अच्छा जिस टाइम 38 में लगाना शुरू करा था। हाँ। 38 की पेड़ी आ रही बराबर भी मेरी इसकी। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक ही खेत है। हाँ।
या बिजारों ने खा दी थी वह बिल्कुल छोटी 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 है। कीड़ा भी यार है और कीड़ा भी है उसमें स्प्रे भी करवा लिए स्प्रे, हालांकि इसमें बराबर है उसके क्योंकि एक खेत है तो स्प्रे इसमें भी है, दो स्प्रे है इसमें भी। चलो अच्छा, बाकी जो खाद उसमें 38 में डाल रखा वही इसमें डाला, वही इसमें डाला भैया। चलो ठीक है, खाद में क्या डाला जी आपने? खाद में डाई थी अच्छा यूरिया और एक वो था भूमि शक्ति अच्छा और फटेरा, फटेरा बस इसमें ये दवाई है, इसमें और कोई दवाई नहीं डल रही। और ऊपर स्प्रे, ऊपर स्प्रे दो हैं अलीका की और नैनो यूरिया और क्वांटिस। आप नैनो यूरिया का जिक्र बार बार कर रहे हैं, नैनो यूरिया में कुछ खास है लगा आपको? स्प्रे में थोड़ा मुझे रिजल्ट लगा उसका, नीचे तो नहीं है उसका कुछ भी, ऊपर है लेकिन ऊपर है थोड़ा। चलो तो उसके बाद फिर, उसके बाद जो है फिर इसमें जो है यूरिया लगा रखा। अच्छा यूरिया और वह फटेरा, फटेरा बस अच्छा। और कुछ नहीं लगा रखा। तो जैसे आप बता रहे कि जून जुलाई तक तो ये ऐसे ही रह गए, बावड़ा सा लगे बिल्कुल। उसके बाद इसकी बढ़वार चले, बढ़वार भी चले, इसमें ब्यात भी चले। तो आपने इसकी बनाई दो तीन करवा रखी? तीन हो रही, लेकिन ये तीन में भी थम नहीं रहा, अब इसकी मेड़ लगवानी पड़ेगी। अच्छा, जैसे आपने इसका पौधा काटा था तो साहब पौधे में क्या एवरेज आया था? पौधे में भाई देखो बीज डाला सारा तोला तो था नहीं लेकिन मैंने इसमें 8.5 बीघे तो अपना वो रखा। अच्छा जी, और दो रिश्तेदारी में बीज गया था इसमें। अच्छा जी, तो फिर भी अंदाजन अंदाजन ऐसा मान के चलो कि कम से कम 80-90 कुंटल गंडे थे, 12 फूट है ये। अच्छा तो 1 बीघे का एवरेज लगावा तो क्या एवरेज मान लो? ये 90 का ही मान के चल रहा मैं तो इसका। और अब जो आपको पेड़ी दिखाई दे रही जी, इसमें गन्ने भी देखो मोटे, ये नहीं है कि देखो सारे सारे ऐसे मिलेंगे जी, ऐसा नहीं है कि एक दो ही ऐसा, देखो मेडे बराबर तो सब होते नहीं, लेकिन गन्ना सब में एक सा ही गन्ना मिलेगा। हर मेडे की पत्ती उतार दूंगा सही सही ना जी, बस रहने दो ज्यादा ना उतारो कोई बात नहीं, यो बीज में भी जा सके पेड़ी में मिल वाले ले भी सके। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, चलो आपने दवाई तो इसमें खैर बराबर करी, लेकिन आपको क्या महसूस हुआ कि 38 के मुकाबले इसमें रोग कुछ कम? कम लागत कम और इनकम ज्यादा भाई, जैसे आपने इसमें भी 38 की बराबर दिया लेकिन 38 पिट रहा, पिट रहा इसके साथ में ही खड़ा 38 पिटा हुआ, इधर भी 38 ही है। इसमें जोतू था लेकिन इसमें भी मैंने स्प्रे करवा दिया था, फिर जो भी है वो है सामने। तो कुल मिला के इसके बराबर बढ़वार नहीं किसी भी बीज की। कुल मिला के बात ये है कि ये वैरायटी 38 का 38 को रिप्लेस कर सके। 38 की हम बुराई नहीं करते, देखो बीज ने 38 ने किसानों को बनाया, बहुत से आदमियों का इतना अच्छा भी खड़ा के भाई हमें पता वो 100 तो ऊपर जाएगा। सही बात है, लेकिन बात तो यही है ना, देखो किसानों को वैसे तो देखो कम लागत में और जो फसल ज्यादा हो रही तो वह ले हो ना। वाह सही बात है भाई, पैसे की तो बात है, खर्चे ज्यादा हो रहे, मान लिया गन्ना भी बहुत हो गया और खर्चा भी ज्यादा हो गया तो इनकम तो उसमें कम होगी ना, तो ये है। मैं अब की बार 38 नहीं होने का, पर सारा यही टोटल 23 और यो 201 14201। अच्छा 13235 के बारे में भी सुना कुछ? हाँ उसमें फूटा हुआ बताया, बताया क्या, मैंने खुद भी देखा, गन्ना भी बारीक है उसका, आँख जो है आँख भी है उसे। किसान किसान को चाहिए गन्ना मोटा, मोटा वो जब भी खुश हो, देखो इसमें कितनी मोटाई है गन्ने की, अगर इस तरह सारी पेड़ी बैठ जा तो अब देखो जो एक मेढा, सही बात है, यो एक मेढा नहीं थमरा, सही बात है, तो गिरेगा सही बात है, जो मेढा उसमें मिलेगा जब जाके इसकी ताकत बनेगी। अभी खेत सूख रहा थी ऐसे मिला के यहाँ बांध दो तो उस गन्ना सीधा हो जाएगा। सही बात है, अभी तो एक महीना है पूरा, एक महीना है, एक महीने में कम से कम 1 फुट तो जा गई। सही बात सही बात, देखो भाई इन्होंने अच्छा एक बात और बताओ जी, 38 की पत्ती तो भुरजा, इसकी नहीं भुरती, मतलब इसको तो जूना भी ऐसा लगे जैसा कहना रस्सी बांध दी हो, मतलब इतनी मजबूत पत्ती है, मजबूत है, खूब खींच के दिखा रहा। बढ़िया बढ़िया, तो अच्छा इसमें तो फिर बंधाई बढ़िया होगी, गिरने का भी जल्दी सी नहीं बंधाई होवे, लेकिन अगर किसान भाई आपको बांध ले तो बल्ले बल्ले, मजदूर तो तुम्हें पता कैसा बांध है। खैर पिछले साल यो खेत मैंने खुद बांधा था और 4-4 मेढे मिलवा रखे थे, बढ़वार में तो इससे भी सीजली था, बहुत भाई देख के गए। सही 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 भाई, देखो गन्ना दिखाया पिछले साल 38 बिल्कुल बैठ गया था, पोका बोइंग लगा वैसे भी लगा, वो बैठने वाला रोग मिली बग, तो यो सबसे नंबर वन था यहाँ जब भी इलाके में भी आपका जो 23 था। और पिछले साल की दवाई सुन लो, कालिया रखी थी मेरे पास, दो ढक्कन दवाई कालिया की लगी हुई थी इसमें पौधे में, और एक वो थी स्लेयर परो। अच्छा बस सिर्फ ये दो दवाई लगी हुई थी और कुछ नहीं करता,
क्यों नहीं गेरा के भाई पता भी तो लगे दवाई तो हो रहा या बिना दवाई के हो रहा। सही बात है, सही बात है। और 38 में खूब दवाई गेरी, जितनी छक्के गेरी जा कोई रिजल्ट नहीं था, सब बैठ गए थे, सब ढूंढ काटे पिछली साल। किसान का दवाई में बहुत खर्च हो जाओ, पहले दवाई बचे बन गए, दुकान वाले बन गए, किसान बैठ गया नीचे को, जिसके पास पैसा है वो तो लगा देगा अंधाधुन। सही बात है, लेकिन हम जैसा कहाँ लगा देगा, हम तो मेहनत करके ये तो देखेंगे हाँ भाई कौन सा बीज ज्यादा कामयाब है। अच्छा जैसे अब तो आपने शादी विधि बो रखा, क्या इसको भी थोड़ा सा ऐसे ही बोओगे? अब की बार 4 खूड बोऊंगा इसके भी, एक छोड़ दूंगा। सही बात है, उसमें आदमी आराम से काम भी कर सके, खेत में ही स्प्रे कर सके। स्प्रे भी नहीं, मतलब देखो जो बीज कम दवाई मांग रहा उसमें दवाई कम ही रखो, खेत में घूमने को। इसमें दवाई का नुकसान है, स्प्रे करके भी देख लिया इसमें, एक खेत में मैंने स्प्रे करके देखा था 4 खूड पे ही, 4 खूड ही नीचे को बैठ गया था और पत्ती होगी थी सीख सी, दवाई हेलता ही नहीं हो, स्प्रे की दवाई नहीं। मतलब इसे जो जैसे लोग बाग अंधाधुंध दवाई करे इसमें करनी नहीं चाहिए, इसमें ना करो, जरूरत हो तो करो नहीं तो ना करो बिल्कुल। और कोई रोग भी नहीं है, अभी पौधा भी दिखाता हूँ, चलो गेहूं का ही नहीं, पौधा तो खैर बाद कल देखेंगे, अब तो देखो दिन भी छिप रहा नहीं हो रहा, यही तो है पास में। चलो खैर पौधे को भी देख लेंगे, दिखाता हूँ। बाकी कहने का मतलब ये है कि बीज अच्छा है, किसान के हक का है, इसको भी बो और अपने पास वैरायटी बना के रखो। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गन्ना आपको दिखाया, गन्ना में एक बार फिर दिखा दूं, गन्ने की मोटाई आप देख सकते हैं किसान भाइयों कितनी गजब है, कितनी बढ़िया गन्ना मोटाई लिए हुए है नीचे तक। वैरायटी 15023 है आपके सामने, गन्ना है कितना मोटा कितना बढ़िया, और गोला भी इसका पत्ती बहुत मजबूत है और न्यार भी बहुत बढ़िया खाना। हाँ मोटाई भी गन्ना पूरे लिए हुए है। तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और गन्ने के बारे में या जो इसके बारे में भ्रांतियाँ हैं कि गन्ना पिड्डी होती नहीं है, पिड्डी का गन्ना है आपके सामने है। और पानी चाहिए बस। हाँ पानी सही ज़्यादा चाहिए। तो वीडियो को यहीं विराम देंगे जी, नमस्कार, राम राम।